मिशन बीएमसी 2017 के अपने विशेष कार्यक्रम में हम वार्ड क्रमांक 28 में यहां के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नीलेश कुमार यादव, आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और वो क्या ध्येय लेकर के इस चुनाव उतरे हैं। नीलेश जी, मुझे बताइए कि इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, जो अभी मेरी जो इस इंटरव्यू को लिया जा रहा है उसके जस्ट पीछे साइड में ही पानी की समस्याओं को सबसे जूझ रहे हैं यहाँ से। सबसे बड़ी समस्या दूसरी जो है शौचालय की है जी। जो शौचालय का जो मैं खुद यहाँ पे स्थानीय सुबह उठ के मुझे शौचालय में काफी देर तक टाइम तक मुझे नंबर लगाना पड़ता है, वो शौचालय की समस्या है जिससे निदान मैं प्लानिंग किया हूँ कि हर एक गली के अंदर ड्रेनेज लाइन डालना है और घर घर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। और तीसरी मेरी प्राथमिकता है, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे मनपा स्कूल में जो एक पढ़ाई की शिक्षा स्तर को काफी बेहतर स्तर तक पहुंचाना ये मेरा लक्ष्य है, क्योंकि एक पढ़ा हुआ युवक ही देश की और जो राजनीति है, जो देश का विकास, उसको बदलाव ला सकता है। और इस वार्ड के अंदर जो भी एक नगर सेवक को फंड मिलता है तो एक बेहतर सिविल इंजीनियर से बेहतर कोई नहीं जान सकता उसी को कैसे उस चीज में यूटिलाइज किया जाए उस पैसे को। ऐसे तो यहाँ पे काफी नगर सेवक आए, काफी नगर सेविका भी आई है, लोग अपने अपने कार्यशैली का बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बट उस फंड को बेहतर ढंग से यूटिलाइज कैसे किया जाए वो उन्हें नहीं पता है। और जो एक बताओ सिविल इंजीनियर में उसको यूटिलाइज करने का मेरा एक सपना है जी। नीलेश जी, आप जैसा बता रहे हैं शिक्षित हैं, युवा हैं, तो आप युवाओं से क्या आह्वान करेंगे कि और शिक्षित लोगों से कि आपको यहाँ पर चुन करके दे, और आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? मैं युवाओं से कहूंगा कि आज के दौर में युवाओं का जो दौर चल रहा है उसको राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि देश के विकास को और देश की जो स्थिति उसको बदलने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। और आज के समय में लोग काफी लोग इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने के रेस में दौड़ रहे हैं, तो जो यूपीएससी और एमपीएससी से भटक चुके हैं स्टूडेंट, मैं युवाओं को चाहूंगा कि उस यूपीएससी और एमपीएससी के शिक्षा स्तर पर वापस उनको मैं लेके आऊं और उस चीज पे सेंट्रलाइज करूं, उनको ध्यान को फोकस करूं और उसके बेहतर से बेहतर उस चीज को बढ़ावा करूं। और यहाँ पे लोगों को ये स्पोर्ट्स के लिए सुविधा, युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स का एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूं। और जो गरीब युवा है जो पढ़ाई लिखाई तो अच्छा कर सकते हैं बसरते उनके और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है, तो मेरा एक सबसे बड़ा सपना है कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज लाइब्रेरी का व्यवस्था बनाओ इस पूरे वार्ड में, जो गरीब विद्यार्थी है उनको पढ़ने की सारी सुविधा उस लाइब्रेरी से अवेलेबल हो सके। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी अगल बगल की पिक्चर दिखाएं, आप देख सकते हैं कि ये एक स्लम इलाका है और बहुत बड़ा स्लम इलाका आता है। यहाँ के लोग जो है जो की झोपड़ियों में रहते हैं और नारकीय जीवन, यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बिल्कुल सकरे सकरे रास्ते हैं, छोटे छोटे घर है और लोग इन घरों में रहने के लिए मजबूर है। यहाँ मैं नीलेश जी से सवाल करूंगा कि नीलेश जी मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ के पुराने नगर सेवकों ने यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम किया है, और नहीं किया है तो आप क्या करने वाले हैं? यहाँ के जो पुराने नगर सेवक है या नगर सेविका ने अगर इस काम को किया होता, कुछ वार्ड का विकास किया होता, तो शायद मुझे राजनीति में आने की जरूरत ना होती थी। आज यहाँ की जनता ने जो मुझसे संपर्क किया है कि राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, उसके सबसे बड़ा ये रिजल्ट है कि उन्होंने अगर कुछ काम ही नहीं किया है उस काम को बेहतर ढंग से करने जी। इस मुद्दे पे मैं कुछ स्थानीय लोगों से भी पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि आप जो है क्यों नीलेश जी को वोट क्यों देना पसंद है? नीलेश जी को इसलिए मैं वोट देना चाहता हूँ क्योंकि नीलेश जी पढ़े लिखे हैं, एक इंजीनियर है, वो अपने अपने आगे आगे आज आज पास हनुमान नगर रहने वाले के लिए भविष्य के लिए काफ़ी कुछ सोच रखे। और हमारे आप गली में घुसे तो कहीं नाली टूटी है, कोई इतने औरत ने नाली में भी गिर गई थी, इसलिए हम लोग प्रचार उम्मीदवार को इस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं यहाँ से। यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि महिला होने की वजह से आप नीलेश जी को क्या समर्थन, मतलब कि आप लोग समर्थन कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? इसके लिए कि जो हम लोग का विकास जो आगे बढ़ना चाहिए, ये गंदगी जो है वो आगे होना चाहिए जी, क्या महिलाओं होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा है? नीलेश जी यदि चुन करके आते हैं तो आप क्या समझती हैं आपके गली मोहल्ले में क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? यही होना चाहिए कि जो इतना गंदगी रहता है, बाथरूम बनना चाहिए, अच्छी सोसाइटी होना चाहिए, जो कि बच्चे लोग के हमारे विकास बढ़ना चाहिए जी, जो है कि जो गरीब है वो नहीं विकास बढ़ा पा रहे, बच्चे लोग को घर में बैठा रहे, तो उनके लिए विकास बढ़ाए हम लोग नीलेश भाई को वोट देंगे। नहीं, नीलेश जी को आप इससे पहले भी बहुत से लोगों को आपने चुन करके भेजा होगा, क्या उनसे आपकी जो उम्मीद थी पूरी हुई? नहीं हुई। तो आप क्या नीलेश जी से क्या उम्मीद कर रही हैं कि आपके जो गली मोहल्ले हैं आपके बच्चों के लिए, यहाँ पर सेंट्रलाइज लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, नई सोच युवा है, तो इस वजह से आप चुनना चाहती हूँ? जी हाँ।
और भी कई लोग हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगा कि महिलाएं हैं, मुझे बताइए आप कि आप नीलेश जी को क्यों चुनना चाहती हैं? हमारे अच्छे नेते हैं जी। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में आकर के हमारे गरीब को सहायता दे। आप चाहती हैं कि जो गरीब लोगों की वो सहायता करें, और भी कई लोग हैं यहाँ पर, मैं पूछना चाहूंगा आप नीलेश जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि विकास बहुत जरूरी है। वो एक सिविल इंजीनियर हैं, वो विकास को कैसा मेंटेन करना चाहेंगे वो जरूर कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी वो इंजीनियरिंग करने लगे आपको नहीं दिखाई देंगे? ऐसा हो नहीं सकता, वो कोई मुद्दा लिए है तो कुछ करने के लिए, अभी उनको क्या जरूरत है पैसे की, उनको तो उनको सिविल इंजीनियर है ही, वो देखे झुपड़पट्टी में रह के कि विकास होना जरूरी है, और लोग आए हैं कि वो विकास किए ही नहीं है। जैसा इनका कहना है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और बेहतर तरीके से अपने जो अपना जो सोच है उसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए बहन जी कि आप क्यों नीलेश जी को सपोर्ट कर रही हैं? हम लोग के अच्छा लगते हैं वो ये लिए काम करेंगे। हाँ। आप भी बताइए मुझे कि आप नीलेश जी को क्यों सपोर्ट? हाँ, चुनेंगे भाई, हमारा गली है, पानी व्यवस्था करेंगे, बच्चे लोग का लड़की लोग को बहुत गुंडे हैं, छेड़ते हैं इधर उधर, तो अपने चाल में रहेंगे तो भाई उसका देखभाल करेंगे। जैसा कि बता रही हैं कि यहाँ पर सामाजिक मुद्दा सामाजिक तत्वों से राहत मिले इसलिए नीलेश जी को चुनेंगे। मैं नीलेश जी के पास पुनः आऊंगा। नीलेश जी, लोगों की काफी उम्मीदें हैं आपके साथ में, आप क्या समझते हैं? जो इन सभी लोगों ने उम्मीद लगाई है, मैं चाहूँगा कि उन सारे लोगों की उम्मीदों को मैं पूरा करूँ, और उन लोगों का सपना जो बनाया है, जो मेरे प्रति जो इतना विश्वास है, उस विश्वास को इसी तरह कायम रखूँगा, और आने वाले 21 तारीख को जो वोटिंग होगा और 23 तारीख गिनते हुए जैसे ही चुन के आऊंगा, इनके सपनों को जल्द से जल्द। नीलेश जी, ये भी देखा जाता है कि पार्टी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, आजकल पार्टी देख करके लोग वोट करते हैं, तो क्या आप मुंबई महानगर पालिका में इतिहास रचने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का? वार्ड 28 में जो है समाजवादी पार्टी का सचमुच एक इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ के लोगों ने मुझसे एक जो जुट होकर मुझे इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाने में भी यहाँ के लोगों की अहम भूमिका थी, और इस जो इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, तो उस तरह से उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम मैं करूंगा। जैसा कि आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो नारे गूंज रहे हैं, यहाँ पर कैंडिडेट जो है नीलेश कुमार यादव जी, वो चाहते हैं कि यहाँ पर इतिहास बने, जो यहाँ के लोग हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, उनको सच करने में वो अहम भूमिका निभाएं, और नीलेश जी के साथ में भी यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन योगेश रसाने के साथ ओम प्रकाश मिश्र, न्यूज़ फर्स्ट, मुंबई।